आज मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि ओढ़ण षष्ठी। एहि अवसर रे श्रीमंदिर रे पालित हेउछि ओढ़ण षष्ठी। श्रीजीव मानंकु घोड़ लागि करा जिवो। श्रीमंदिर रे पालित हेउथिबा द्वादश यात्रा मानक मध्यरु एहि यात्रा अन्यतम। एहि परिप्रेक्षीरे सोमवार पंचमी तिथि रे महाप्रभुंक रात्र चंदन लागि बढ़िबा उतारे पतनी घोड़ खंडुआ घोड़ पाग मदन मोहनंकु कबर विमला श्रीदेवी ओ भूदेवीक घोड़ भोगमंडप घरे अधिवास करा जायथिला। एहा पूर्वरु भोगमंडप घर धोपकाळ होई चांदुआ बंधा जायथिला। बडसिंहार भोग सरी ठाकुर मानंक मैलम बढ़िबा उतारे महास्नान बढ़िथिला। एहा परे ठाकुर मानंकु झिन पतनी लागि करा जायथिला। सर्वांग लागि बढ़िबा उतारे पैड बिड़िया घसा मणही बढ़ी आळती करा जायथिला। मंगलवार महाप्रभुंक सकाळ धूप बढ़िबा उतारे मैलम करा जाय पूर्व रात्रिरु भोगमंडप घरे अधिवासित होइथिबा घोड़गुडीकु घंटा छता काहाळी सह पटुआरे बड़ देउळकु तीनि घेरा प्रदक्षिण करा जाय रत्न सिंहासनकु विजे करा जिवो। सिंहासनरे ठाकुर मानंकर पाग ओ घोड़ लागि बढ़िबा परे छ मूर्ति अलंकार लागि करा जिवो। परे प्रसाद लागि सह तीनि बाड़रे बंदापना करा जिवो। मखमल ओ सूता कपड़ारे दरजी सेवकंक द्वारा श्रीजीवंकर एहि घोड़ स्वतंत्र शैलीरे प्रस्तुत करा जायछि। बहु श्रद्धालु भक्त महाप्रभुंक घोड़ लागि बेश दर्शन करछन्ति। परंपरा अनुजाई ओढ़ण षष्ठी ठारु श्रीपंचमी पर्यंत ठाकुर माने एहि घोड़ लागि होइथंति। रविवार रे लाल रंग, सोमवार कला छिटा मिसा शुक्ल रंग, मंगलवार पटिया, बुधवार नील रंग, गुरुवार हलदिया, शुक्रवार दिन ठाकुर माने धळा रंगर घोड़ ओ शनिवार कला रंगर घोड़ परिधान करिथंति। शीत दाउरु रक्षा करबा पई एहा महाप्रभुंकर मानवीय लीलाक्रम रे श्रीजीव एहि घोड़ बा शीत वस्त्र परिधान करिथंति। एहि लीला को प्रावरण यात्रा मध्य कहा जाए। एहि बेशरे महाप्रभुंकु दर्शन कले कोटि पुण्य लाभ होइथाय बोली विश्वास रहिछि। पुरुषोत्तमाख्यसु महतम क्षेत्रम परम पावनम जत्रास्ते दारवतनु श्रीसो मानुष लीला। महाप्रभु मनुष्य लीला करुछंती जेपरि भावरे गरमुरु रक्षा पाई महाप्रभु सर्वांगरे चंदन चर्चित होइथिले सेइभली भावरे शीतर आगमन ऋतुचक्र परिवर्तन अनुसारे शीत ऋतुर आगमन घटिछि। सेथिपाई महाप्रभुंकर लीलारे मध्य द्वादश यात्रारे अन्यतम यात्रा तार नाम होउछंती कण प्रावरण षष्ठी बा ओढ़णी षष्ठी। जेकि महाप्रभुंकर मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि जहाँकि पंचमी तिथि महाप्रभु शीत सहित युद्ध करते आज षष्ठी तिथि महाप्रभु सीता वस्त्र को धारण करुछंती। जेतेबेले सीता सहित युद्ध करते सीता परास्त घटी आते किछि ना किछि रखा जाइतिला कण महाप्रभु तांको आदेश देइतिले दुखी रंकी आउ कण ना ज्ञानी विबुध जनक मानंको जेपरि भावरे सीत करिबो नाही तापरे महाप्रभुंकर आदेश क्रमे काली महाप्रभुंकर से घोड़ अधिवास होइतिला। आज से घोड़ को महाप्रभु परिधान करिवे कहीं समस्तंकर ऋतु को मध्य महाप्रभु स्वागत करिथंती। सेतिपाई से जेहेतु शीतर आगमन घटी महाप्रभु कौन करिवे से शीतर रक्षा करिवापाई समस्तंको निजे रक्षा पाइबापाई मध्य से कौन करती शीत वस्त्र को परिधान करती। आज सकाळ धूप सरी सल्ला परे अधिवासित घोड़ महाप्रभुंकर से मंदिर को चतुर्पार्श्वरे तीन थर परिभ्रमण कर सारा पर महाप्रभुंक पाखे पहुँचव ता पूर्व महाप्रभुंकर से उलागी हो जाइथिबा वस्त्र बा महाप्रभु बेश उलागी हो जाइथिबा तापर महाप्रभु से वस्त्र धारण कर सारा पर प्रसाद लागी अछि बंदापना मध्य अछि जेतु ए होचन द्वादश यात्रा रे अन्यतम यात्रा सेतिपई बंदापना कर सारा पर अन्य नीतिकांति हेब आ महाप्रभु आज ठार ओढ़णी षष्ठी ठारू आरंभ करी महाप्रभु श्रीपंचमी पर्यंत जहाँकि सरस्वती पूजा पर्यंत महाप्रभुंकर ए घोड़ लागी हेब। ए घोड़ लागी वस्त्र रे महाप्रभु जो लागी होइथांती घोड़ वस्त्र जहाँकि घोड़ महाप्रभु परिधान करती एथिपाई स्वतंत्र भाव में महाप्रभुंकर काली ठारू जो बेश हे महाप्रभुंकर से अवकाश परे परे महाप्रभुंकर घोड़ लागी बेश तापर महाप्रभुंकर दीपर धूप सरी सारा पर पुनर्वार घोड़ लागी बेश पुनर्वार महाप्रभु जितेबाला शयन करिवे सेतेबेले मध्य घोड़ लागी टोपर पिंधि महाप्रभु शयन करिवे। या सहित महाप्रभुंकर ए जे जति दिन रही महाप्रभुंकर घोड़ लागी समय मध्य विभिन्न वेश राशि अछि जहाँ कि कहा जाइछि मकर चौरासी वेश नवांक वेढ़ा वेश मध्य महाप्रभु परिधान करिवे ए घोड़ लागी बेश।